प्यारे विद्यार्थियों तथा प्यारे अध्यापकों, आज ये जो लेक्चर है अध्यापकों के लिए है तथा आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने टीच करना है मैट्रिक्स। मैथ में मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तथा जब भी आपने मैट्रिक्स को सिखाना है तो एक एक स्टेप आपने सिखाना है तथा यह कल्पना नहीं करनी कि आपके बच्चों को सब कुछ आता है। आपने बच्चे के लेवल तक जाना है तथा एक स्टेप कर करके उसको सिखाना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जस्ट 1 2 3 4 तीन तक ले लेता हूं, 4 5 6 7 8 9 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले बच्चों को ये कहिए आप कि ये डिटरमिनेंट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तथा इस स्क्वायर मैट्रिक को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसकी वैल्यू बदल सकती है। देखो ये रोज होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं। अब ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। सबसे पहले अगर इसको हमने खोलना है तो ये फर्स्ट रो ले के आप लेंगे हम, जैसे एक ले लिया। अब इस रो को हमने त्याग देना है, इस रो को त्याग देना है तो इसका सब मैट्रिक्स हमने ले लिया 5 6 8 9। अब माइनस लगा देना हमने हर बार, तो यहां 2 ले लिया। अब इस कॉलम को इस रो को छोड़ देना है तो बकाया 4 7 6 9 आ गया, 4 7 6 9 आ गया। अब हमने फिर जमा का निशान डाल दिया, थर्ड एलिमेंट है, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसको आगे लिखकर जिसका एलिमेंट है उस रो को उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी 4 7 5 8 आ गया। अब इसका सब मैट्रिक्स का जो है जो भी है डिटरमिनेंट उसका हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू 1। अब एक बहुत बड़ी ब्रैकेट लगाओ, 5 को 9 के साथ गुना करो, आप एक माइनस लगा दो, 6 को 8 के साथ गुना करो, फिर बड़ी बड़ा। अब आप ये देख रहे होगे एकदम मैं सभी सवाल कर दिया है, आंसर पे आ गया हूं। ऐसी गलती आप नहीं करना क्योंकि ज्यादा तेजी से करोगे तो आपके बच्चे बिल्कुल नहीं समझ सकते। उसको तो ये भी नहीं पता होता कि ये प्लस क्यों लगाया हुआ है, ये माइनस क्यों लगाया हुआ है। तो उनको कहना है कि सवाल को हल करने के लिए हमने ये प्लस लगाया है, ये माइनस लगाया है और ये सब मैट्रिक्स हमने उतारी हैं। तो एक चीज को धीरे धीरे समझाइए, जैसे अब मैं दोबारा से धीरे धीरे समझाता हूं। देखो ये 5 है ये 9 है, इसको गुणा किया मैंने और इसमें माइनस का निशान है, ये लेफ्ट साइड से फिर ये राइट साइड से ऊपर वाला लेके इसको साथ गुणा करना है 6 को 8 के साथ। एक बहुत बड़ी ब्रैकेट लगाइए, उसमें से छोटे छोटे ब्रैकेट लगाइए, ये जो एक था वैसे का वैसे उतार लीजिए, इसका और इसका संबंध इस बड़ी ब्रैकेट के साथ गुना का संबंध है। अब ये माइनस 2 वैसे का वैसे लीजिए, 4 को 9 के साथ गुना कीजिए छोटी ब्रैकेट में, फिर माइनस लगाइए, फिर 6 को 7 के साथ गुना कीजिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस 3 लिखिए और एक बड़ी ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट लगाइए, 4 को 8 के साथ गुना कीजिए, घटाइए, फिर 5 को 7 के साथ गुना कीजिए। तो ऐसे सवाल होगा। अब इन ब्रैकेट को खोलना सिखाइए, पहले छोटी ब्रैकेट खुलती है फिर बड़ी ब्रैकेट खुलती है, 5 को 9 के साथ 45 और ये 6 को 8 के साथ 48 अभी ब्रैकेट लगी हुई है, और माइनस 2 वैसे का वैसे है, 9 into 4 36 आ गए और घटा के 6 into 7 42 आ गए। इसको बड़ी ब्रैकेट वैसे वैसे रखी हुई, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई।
ठीक है, यहां भी चाहे हम छोटे पे खत्म कर दें। अब प्लस 3 लगा दिया, 8 इंटू 4 32 एंड 5 इंटू 7 35। अब इसको खोलते हैं, 48 में से 45 घटाओ माइनस का 3, क्योंकि माइनस बड़ा है, 48 बड़ा है 45 से, तो यहां माइनस लगा दिया। अब 42 36 से बड़ा है, माइनस 6 आएगा, तो माइनस अंदर भी माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस गुना होते हैं जब जमा हो जाते हैं, एक माइनस को एक माइनस से गुना करें तो प्लस का एक आता है, तो यहां प्लस 6 लिख दिया, उसको 2 के साथ गुना किया, और यहां 35 भी माइनस का है, 32 में से घटाएंगे 3 आएगा माइनस का 3 को प्लस के 3 के साथ गुना करेंगे, माइनस का 9 आएगा गुना करके, और ये 12 10 के 12 माइनस 3 और माइनस 9 जमा हो जाएंगे, निशान आपका है माइनस 9 माइनस 3 हो गए माइनस के 12, और ये जो 12 यहां लगा दिया कट गए आप प्लस में, अगर समान ही अंक हैं माइनस के बाद प्लस के बाद, तो ये आपस में कट जाएंगे।